हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं आर्टिकल्स के बारे में और उनके यूसेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो अगर आपकी समझ के लिए एक शॉर्ट डेफिनेशन दूं, तो आर्टिकल नाउन से पहले लगते हैं और आर्टिकल नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताते हैं, वही आर्टिकल हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल कितने तरीके के होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ओके, अब बात कर लेते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। जैसे कि हम बात करें इनडेफिनिट आर्टिकल की, तो जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते हैं, यानी कि जब हम किसी नाउन को बता रहे हैं लेकिन उसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है, पहले से कुछ पता नहीं है, तो वहाँ पे होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि मैंने कहा गिव मी अ मार्कर, मैंने आपसे मार्कर मांगा, लेकिन मैंने आपसे कोई भी मार्कर मांगा है, कोई स्पेसिफिक मार्कर की मैंने बात नहीं की है, तो यहाँ पे होगा इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके, तो अब बात आती है इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो इसमें आते हैं ए और एन। ओके, अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। तो डेफिनेट आर्टिकल इसका जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि यहाँ पे हम चीज़ों के लिए श्योर नहीं है, हमें चीज़ों का पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम चीज़ों के लिए श्योर हैं, उसके बारे में हमें पता है। अब जैसे मैं बात करूँ इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आता है टी एच ई, द या दी। ओके, अब जैसे द और दी कंडीशनल है, यानी कि इसको जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये कंडीशनल तरीके से प्रोनाउंस होता है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक दिया है, आप उसे देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं डेफिनेट आर्टिकल की आपको एक एग्जाम्पल दूँ, इसी एग्जाम्पल को ले लेती हूँ, गिव मी द मार्कर, यहाँ पे मैंने कहा गिव मी अ मार्कर और यहाँ पे मैंने कह दिया गिव मी द मार्कर, तो मैंने किसी स्पेसिफिक मार्कर की बात की है कि मुझे यही मार्कर चाहिए, दूसरा मार्कर नहीं चाहिए, यानी कि मुझे उसके बारे में पता है कि मुझे कौन सा मार्कर चाहिए। ओके, तो ये था डेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के यूसेज के बेसिक रूल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल ए की, कि आर्टिकल ए कहाँ पे यूज़ होगा। अगर नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड करता है, तब वहाँ पर ए का यूज़ होगा, आर्टिकल ए का यूज़ होगा। अगर एग्जांपल से देखें, अ नोटबुक, यहाँ पे न का साउंड आ रहा है, नो, नोटबुक। ओके, दूसरा एग्जांपल है अ बॉय, ब, बॉय का साउंड आ रहा है, बी। ओके, अ कैट, अ रैट, अ बैट। नेक्स्ट है अ पेंसिल। तो ये है हमारे जो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहे हैं, उसमें यूज़ होगा आर्टिकल ए का। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल एन की। तो आर्टिकल एन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे आप जानते ही हैं हमारे वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो अगर नाउन का फर्स्ट लेटर साउंड कर रहा है वॉवल, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन। क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एन ऑनेस्ट, यहाँ पे ओ का साउंड है। ओके, तो ये क्या है, वॉवल है, तो यहाँ पे एन का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट है एन एप्पल, ए का साउंड है, एन ऑरेंज, ओ का साउंड है, एन अम्ब्रेला, ए का साउंड है, एन इंक पॉट, ई का साउंड है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। ओके, तो फ्रेंड्स इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें इसके एक्सेप्शंस की, तो मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिए हैं, यूनियन और यूनिवर्सिटी। अब अगर हम फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्टिकल लगाते हैं, तो यहाँ पे होना चाहिए एन यूनियन और एन यूनिवर्सिटी, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे होगा अ यूनियन और अ यूनिवर्सिटी। अब हम इन एक्सेप्शंस में कब तक स्टक रहेंगे, कब तक हम इन्हें समझते रहेंगे, तो इन एक्सेप्शंस को दूर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, जिसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे एरर बिल्कुल नहीं होंगे। तो चलिए चलते हैं इस ट्रिक की तरफ और लेते हैं फिर से यूज़ ऑफ ए को।
ओके तो अब हमें हिंदी में जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि जो व्यंजन होते हैं क ख ग घ उसे लेना है, उसे लेते हुए इसे समझना है। जैसे जब नाउन का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा, हिंदी कॉन्सोनेंट होगा, तो तब हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओके जब नाउन का पहला लेटर हिंदी व्यंजन होगा तो तब हम वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। जैसे इन एग्जांपल्स को ले लेते हैं ताकि आपके एक्सेप्शंस दूर हों। यूनियन, यू से स्टार्ट है। ओके तो यहाँ पे क्या है, य, य है जो हिंदी व्यंजन है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अ यूनियन कहेंगे। ओके दूसरा है यूनिवर्सिटी, देखिए य जो क्या है, नाउन का पहला लेटर क्या है, य है जो हिंदी व्यंजन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अ यूनिवर्सिटी। हो गया, अब आपका ये एक्सेप्शन क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अगर हम देखें कैट, क क्या है, हिंदी व्यंजन है, तो यहाँ पे हम अ कैट, अ रैट, अ बुक, अ टेबल, अ बॉय, इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था ए का यूज़। अब हम इसी ट्रिक में बात करते हैं कि हम एन का यूज़ कैसे करेंगे। तो एन का यूज़ हम करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं हिंदी में हमारे जो स्वर हैं अ आ इ ई, उनको अगर हमारा जो वर्ड शब्द है, नाउन है, उसका अगर फर्स्ट लेटर वॉवल होगा यानी हिंदी स्वर होगा, तो तब हम वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। जो हमारा नाउन है उसका फर्स्ट लेटर अगर हिंदी स्वर होगा तो तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। एक बार एग्जांपल देखते हैं, अम्ब्रेला, हिंदी स्वर अ है तो यहाँ पे आएगा एन अम्ब्रेला। ऐसे ही ऑनेस्ट, आ है, एन ऑनेस्ट, आ क्या है, हिंदी स्वर है। एलिफेंट, ए, हिंदी स्वर एन एलिफेंट। ऐसे ही एन इंकपॉट, एन अर्जेंट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप इसे समझेंगे तो आप इसमें बिल्कुल एरर नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे आर्टिकल जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं ए और एन। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द या दी की। फ्रेंड्स डेफिनेट आर्टिकल द या दी वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमें चीज़ों के बारे में पहले से पता होता है या हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं। तो इसी के कुछ और रूल्स हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द या दी का यूज़ होगा और कहाँ पे द या दी का यूज़ नहीं होगा। तो चलिए पहला रूल देखते हैं। पहला रूल है नेम ऑफ रिवर्स, यानी कि रिवर्स के नेम में द का यूज़ होगा। जैसे हम अगर कहें द गंगा, द यमुना, द नाइल, द अमेज़न। ओके अब देखते हैं होली बुक्स, होली बुक्स यानी धार्मिक ग्रंथों में भी द का यूज़ होगा। अगर हम कहें द बाइबल, द कुरान, द गीता। ओके दूसरे अगर बात करें न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स। ओके फ्रेंड्स अब बात करें ग्रुप्स और क्लास की। तो जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल द या दी का यूज़ करते हैं, जैसे द डॉग्स, द कैट्स। ओके अब अगर हम क्लास की बात करें तो उससे पहले भी हम द या दी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ द रिच, द पुअर, द यंग, द ओल्ड। ओके नेक्स्ट है फेमस बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स। जब हम किसी फेमस बिल्डिंग, मोन्यूमेंट्स या म्यूजियम की बात करते हैं तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द या दी का यूज़ करते हैं, जैसे द ताजमहल, द बुर्ज खलीफा, द नेशनल म्यूजियम। ओके तो ये है आर्टिकल द या दी का यूज़ कहाँ पे होगा। अब हम बात करेंगे कहाँ पे द या दी का यूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले है इंडिविजुअल नेम, जैसे मेरा नाम है भारती तो मैं द भारती नहीं कहूँगी, यानी कि किसी भी नेम से पहले द या दी का यूज़ नहीं होगा। ओके नेक्स्ट है सिटी और स्ट्रीट, सॉरी स्ट्रीट, किसी भी सिटी या स्ट्रीट पे, कोई कितनी ही बड़ी सिटी हो या छोटी सिटी हो, उससे पहले आर्टिकल द या दी का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि द दिल्ली या द बॉम्बे नहीं कहेंगे। ओके नेक्स्ट है लैंग्वेजेस, हम लैंग्वेजेस में भी द या दी का यूज़ नहीं करेंगे। द हिंदी, द इंग्लिश हम नहीं कहेंगे। ओके नेक्स्ट है कंट्री नेम,
किसी भी कंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसमें द या दी का यूज़ नहीं कहेंगे, हम दी इंडिया या दी अमेरिका नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे कंट्री के ग्रुप्स की बात हो रही है तो वहाँ पे हम ज़रूर द या दी का यूज़ करेंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ यूनाइटेड किंगडम की, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दी यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो फ्रेंड्स ये था डेफिनेट आर्टिकल द या दी। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो आर्टिकल्स और उनके यूसेज। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। Take care.